हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज देखते हैं समीकरण। तो समीकरण किसे कहते हैं? हम बोल सकते हैं समीकरण एक गणितीय कथन है जो दो राशियों के बीच समानता दर्शाता है। अब ये दो राशि चर भी हो सकती हैं और अचर हो सकती हैं। अपन जान लेते पहले चर अचर क्या होती है। तो चर राशि क्या होती है? जिसका मान बदल सकता है। ठीक है, जैसे कभी इसकी वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, और इनको हम जनरली जैसे एक्स से या वाई से, जेड से, या कभी पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, इनसे लिखते हैं। ठीक है, और अचर राशि क्या होती हैं? जिनका मान निश्चित होता है, निश्चित मान, जैसे 2, 3, 10, ये निश्चित है। ठीक है, अब जैसे चर राशि एक्स है तो किसी समीकरण में इसका मान 2 आ जाता है, कभी कभी किसी समीकरण में इसका मान 5 आ जाता है। तो मतलब इसका मान कांस्टेंट नहीं रहता, इसका मान बदलता रहता है। जैसे अपन एक समीकरण लेते हैं एक्स प्लस 4 इजकल टू 5, जब इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है एक्स इजकल टू 1। एक दूसरा समीकरण लेते हैं x प्लस 2 इजकल टू 3, जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखो आप 8 लिख लो। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी x की वैल्यू आती है 6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आई है। तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसे बदलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं अचर राशि। और जैसे 2, 3, 10, इनकी वैल्यू निश्चित होती है, इनका मान निश्चित होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम अचर राशि। ठीक है, अब जानते हैं हम समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है 2x+5 = 3x+4। ठीक है, तो जैसे इस साइड को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम किसी पद को, जिसको पद बोलते हैं, पद को या राशि को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड से, या जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसी तरह से अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ला रहे हैं तब भी उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम चर राशि वालों को एक साइड रख लेंगे और अचर राशि वालों को एक साइड रख लेंगे। ठीक है, तो इसको इधर लिया 2x को और 4 को इधर ले जाओ तो अपन लिख सकते हैं 5। अब 4 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -4 = 3x, इसको इधर लाएंगे तो 2x। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 = 2x। अपन बोल सकते हैं x = 1, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों सेम ही है। x = 1 रख दूँ या 1 = x रख दूँ, इसको अपन ऐसे भी जान सकते हैं। इसको उधर ले जाऊं मैं तो हो जाएगा -x, इसको इधर ले आऊं तो हो जाएगा -1। अब अपन जानते हैं कि अगर जैसे किसी को हम जैसे माइनस को माइनस से गुना कर देते हैं, तो अब दोनों साइड में मैंने माइनस माइनस से गुना कर दिया है तो इससे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हो जाएगा x और हो जाएगा 1, तो x = 1। ठीक है, आइए जानते हैं एक बार बीजगुणा देख लेते हैं अपन, बीजगुणा वाला समीकरण। जैसे कोई समीकरण है x+2/x = अपन इसको बोल दें 4, 5 बोल देते हैं। ठीक है, तो बीजगुणा कैसे करते हैं अपन जानते हैं। देखो, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन यहाँ पे ये मान सकते हैं, इसका मतलब ये, जैसे अगर 5 है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये सही है। तो बीजगुणा कैसे करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको दूसरी साइड के ऊपर वाले से गुना करते हैं, और ऐसे इस नीचे वाले को दूसरी साइड के ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो हो जाएगा x+2 = 5x।
अब इसको x के इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 इजकल टू 5 एक्स माइनस एक्स, तो 2 इजकल टू 4 एक्स, 4 एक्स इजकल टू 2। मैंने अभी बताया था ये दोनों सेम ही है, तो x इजकल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो x इजकल टू 1/2 हो गया इसका हल। हम बोल सकते हैं ये इसका मूल है या हल है। ठीक है,